तो यह है सर्वराड़ और रिसोर्ट, ये ऊपर का रूम है चेड, जो जहाँ से मेरा ये व्यू है, ये उसका एंट्री, ये लेफ्ट में जो रोड जा रहा है वो एक वाटरफॉल के इधर जाते हैं उत्तन के, वो मैं बाद में दिखा दूंगा। ये सिल्वराडो रिसोर्ट का एंट्री, ये उत्तन का जो पुलिस चौकी है, पुलिस लोग बैठते हैं वो तीन रास्ते पे, वहाँ पे लेफ्ट में ऊपर है ये। तो रूम तो मैं अंदर से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सब लोग सोए हुए थे, पर रूम बहुत अच्छे हैं और सॉफ्ट भी है, और प्राइसिंग भी 3,000 तक है पर मतलब नॉर्मल रूम, छोटा रूम वहाँ से स्टार्ट होता है एंड देन गो अप टू 7-8 थाउजेंड। अभी फ़िलहाल थोड़ा रेट कम है ड्यू टू कोविड, आप वीकडेज पे सस्ता मिल जाएगा। और ऊपर यह इन्फिनिटी पूल जो था वो भी नहीं है, वो अभी बंद कर दिया है, वो अभी दिखेगा इसमें। ये प्ले जोन है, तो ये पहले बहुत अच्छे से चलता था होटल, कोविड के बाद थोड़ा कम चलता है तो सब बंद है। और फिलहाल अभी ये जो गोराई में भी सैटरडे संडे को थोड़ा पब्लिक लोग का एंट्री कम भी है, मतलब पुलिस होता है तो ज़्यादा गर्दी भी नहीं था। तो हम लोग भी यहाँ पे फ्राइडे नाइट को स्टे करने गए थे, वो पार्टी विद ऑफिस फ्रेंड्स, तो मैंने ये टूर लिया, तो मैं सिर्फ गोप्रो लेके इसको शूट किया। तो ये सिल्वर डोर का पूरा व्यू है, सब प्ले जोन, ये पोपट, ये सब पिंजरे में। और यहाँ पे आगे आपको ये भी दिखेंगे, ससा भी दिखेगा, ससा भी है रैबिट। ओके, ये उसका फ्रंट गेट, ये किसी एमएलए का ही है जो यहाँ पे रहता था, उसके रेस्टोरेंट आप देख सकते हो, ये रेस्टोरेंट है और वहाँ पे शायद छोटा बार काउंटर भी है। ये मैं ऊपर जा रहा था, थर्ड फ्लोर पे ये लोग का इन्फिनिटी पूल है, जो अभी फ़िलहाल तो कुछ कोई नहीं है वहाँ पे, वो लोग ने चालू नहीं किया है, पर वो चालू करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। आप उसके फ़ोटो देख सकते हैं और उनके वेबसाइट में जाके, एंड में मैंने वेबसाइट में डाला है सब डिटेल उनके साइट पे जाके। तो ये है इन्फिनिटी पूल जो अभी पूरा साफ़ हो गया है, पानी बहुत कम है पर देख सकते हो, मुझे तो बहुत डीप लगा, इट्स मोर देन 6 फीट, मेरे हाइट से भी ज़्यादा ही था मुझे लगा, मैंने ट्राई नहीं किया। और यह इन्फिनिटी पूल से जो सीनरी है वो मैं दिखा देता हूँ, आजू बाजू का जो उत्तन का अच्छा सीनरी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा, और यहाँ पे पहले था एरिया, सब ड्रिंक्स एंजॉय करके, इन्फिनिटी पूल एंजॉय करके हम कर सकते हैं। और ये मोस्टली होटल जो था, ये जो सीनरी है आप देखिए, ये जो होटल था मोस्टली सब यहाँ पे फंक्शंस होते थे, लाइक मेडिकल्स ग्रुप्स के तो बहुत होते थे जिनका पार्टीज होता था, उनका कॉन्फ्रेंस, बिकॉज इधर 3 दिन बड़े कॉन्फ्रेंस वाले, तो यहाँ ट्रेनिंग के लिए ये होटल मोस्टली बिजनेस होटल है, ये ट्रेनिंग के लिए चलता था। यहाँ पे फार्मा कंपनीज़ के मोस्टली जो एम्प्लॉयज़ के ट्रेनिंग्स होते थे वो यहीं पे होते थे, तो उसके लिए फेमस था उत्तन का। अभी भी बिजनेस रिसोर्ट है और होता है, पैक रहता है, ऐसा कुछ इतना खाली नहीं है। या स्पा एंड वेलनेस, तो ये सब यहाँ पे रेट लिखा हुआ है स्पा एंड वेलनेस का। इसके आजू बाजू गोल्डन लीफ भी नज़दीक होटल है, अदरवाइज़ आपको गोरा ही जाना पड़ेगा अगर अच्छी चाहिए तो, जस्ट लाइक सन बीच रिसोर्ट, पाम रिसोर्ट एंड कोरी रिसोर्ट, वो मनोरी में कोरी रिसोर्ट, पाल रिसोर्ट भी वहाँ पे से अच्छा व्यू है। सन बीच भी बहुत बेस्ट होटल चाहिए तो सन बीच ही है गोराई में। और ये आगे रूम्स है, ये उत्तन में ही एकदम स्टार्टिंग में लगता है, जैसे आप भाईंदर से उत्तन एंट्री करोगे तो ये होटल्स लगता है। और यहाँ में आजू बाजू पॉइंट्स भी अच्छे हैं उत्तन के, जो आप देख सकते हैं जहाँ से वसई का खाड़ी दिखता है और वो साइड का किला थोड़ा टूटा हुआ है वहाँ पर, तो व्यूज़ अच्छा है यहाँ पर। और ये सब रूम्स हैं जो ऐसे पूरा एक मतलब ये मेन बिल्डिंग के रूम्स है, और ये जिंक 1, जिंक 2, जिंक 3 करके 3 बड़े हॉल है, जो देखो कितने बड़े हॉल है, ये ट्रेनिंग के लिए यूज़ होते थे फार्मा एम्प्लॉयज़ के, और जो भी आता था उनके, और वो लोग स्टे भी कर सकते थे या वन डे का। ये है रैबिट्स, तो ये बहुत अच्छे थे, अच्छे से वहाँ पर लगाया हुआ, वो डर भी नहीं रहे थे, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ खाने को मिलेगा इसलिए देख रहे थे, तो अच्छे क्यूट लगे मुझे। और यही है आजू बाजू का एरिया, तो आप और ये
उसके रूम से, जिसका मैंने अभी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आगे वीडियो में। तो ये है सिल्वराडो रिसोर्ट क्लब का वेबसाइट, उसमें है रूम्स है। तो हम लोगों ने लिए थे ये जेड सूट एक और जेड, क्योंकि हम लोग 10 जन थे। तो जेड में एक्चुअली बाथ टब होता है, स्मॉल बाथ टब अटैच, बहुत छोटा होता है पर होता है, और प्राइवेट बालकनी वो सब है। और बुक जेड सूट में दिस रूम्स आर लोकेटेड इन द विला ऑन ग्राउंड ऑफ द विला। तो ये ग्राउंड फ्लोर पर रहते, ये थोड़े ऊपर रहते। तो मैं दिखा देता हूँ रूम कैसे। और एमराल्ड ये तो मेन बिल्डिंग में रूम है, ये बीच में है और नीचे गार्डन में। तो रूम्स का, ये रूम्स का सेक्शन का 3500 में जेड है, जेड सूट 6000 है, एमराल्ड 4500 है। और वीकडेज पे कम थोड़ा रेट हो सकता है। बुक नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखो पूरा सेम थिंग है ये शायद। हाँ, ये वीकेंड्स के रेट है। एंड देन यू कैन गो टू अबाउट अस। अबाउट अस में तो इतना कुछ नहीं है, पर एक्चुअली इनके 4 बैंकवेट्स हैं, 32 रूम्स हैं, एम्प्लॉयज़ पता नहीं 20, सर्विसेज इतना देते हैं वो लोग। इन्फिनिटी पूल अभी बंद है, वीडियो में तो आपने देखा ही रहेगा। और बाद में ये कामोर में जाके आपको अराउंड अस रेस्टोरेंट सर्विसेज, रेस्टोरेंट स्पा वेलनेस है, रेस्टोरेंट भी है वहाँ पे, उसका भी लाउंज बार भी है। और फिलहाल अभी ये कोरोना की वजह से तो इन्फिनिटी पूल बंद है, पर इन्फिनिटी पूल बहुत डीप लगा, मैं आपको वो देख वीडियो में देखा ही रहेगा। और यही इनका वेबसाइट है ऑल अबाउट। और सच में बेड उनके बहुत बहुत सॉफ्ट भी है, उनका सर्विस भी बहुत अच्छा है। मुझे सर्विस तो बहुत अच्छा लगा, यू नो द बटलर सर्विस। तो एक बटलर होता ही है जो आपके लिए अब जो भी रिक्वायरमेंट बोले वो पूरा कर दे। तो इसलिए मतलब मुझे तो अच्छा लगा, इसका रिव्यू बहुत अच्छा है। वही एक्चुअली बिजनेस होटल ही है, लोग बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, जो इसके बस 4 बैंकेट्स बहुत बड़े हैं जहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होता था। तो अभी तो फिलहाल बिजनेस होटल जैसे ये तो बंद है कोरोना की वजह से, अदरवाइज इन्फिनिटी फील हो गए स्पेंड करने के लिए। पूरा उत्तन का जो मेन सेंटर है आप लोग चौकी जगह है, एक रोड बुराई जाता है, एक रोड उत्तन की जाता है, एक रोड